देखा पंचायत समिति का, उसमें बीजेपी के नेता बता रहे थे कि मदेना साहब के टाइम, महिपाल जी के टाइम राज था तो ओम सिंधी की चलती थी, कि उनकी बेटी विधायक मैंने तो जो सरपंच थे मेरे टाइम में या जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कह दिया, मैंने वहां चिड़ी मार दी और वो चिड़ी टली गई। कमी नहीं रखी, अभी मेरे को कह रहे थे कि सब साफा नहीं पहनोगे आप, मैं इनका साफा नहीं पहनूंगी, मैंने कोई कमी ओसियां की जनता के काम के लिए नहीं रखी। क्यों तरफा विकास मैंने ओसियां की जनता के लिए किया, चाहे शिक्षा में आप उठा के देख लो, स्वास्थ्य में आप उठा के देख लो, पानी पीने के पानी में देख लो, भ्रष्टाचार मुक्त शासन के बारे में देख लो, मैंने आप साफा आप दोबारा जिता कर ही पहना था 5 साल। मैं अबार स्वागत करती करती आई थी, मैं पूछ राज कहो क्या सबरों काम हेडक्वार्टर माथे पड़े, ठीक है नी, और मैं बोलूँ तो बात बहुत दूर तक ही जाए। तरमीम शुद्धि ऑनलाइन जो गलत हुई है, जो किसी की गलती नहीं है, उसकी शुद्धिकरण की फाइलें भी लटकी पड़ी है। क्यों पड़ी है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, ये हाल ओसियां के। बिजली घर के क्या हाल है पूछो किसानों से, तहसील के क्या हाल हुए, थाने के क्या हाल, थाने के क्या हाल हुए, बंदर बांट मची हुए, बंदर बांट। 100 ML बन गया, 100 100 तो नहीं बने, यूँ फेंका पानी नहीं करनी, और मजा देखो एसडीएम एमएलए की नहीं मानती, जवाब दे देती है मुंह पे, मुझे पता है कब कहाँ क्या बोल जाती है, ठीक है। और कांस्टेबल थाना अधिकारी की नहीं मानते, बिल्ली के एरियन एक्शन की नहीं मानते, मैंने कहा देखा जो देखा एड़ा एड़ी तो मैं कहते भूली ही नहीं भाई। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है बहुत कम लोग ओसियां से मैं 1,01,000 मत लेकर गई, बहुत कम लोग हैं जो राजस्थान में 1,00,000 से ऊपर वोट लेके गए। मैंने जातिवाद की राजनीति नहीं करी, मैंने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करी, मैंने ईमानदारी बनाए रखी, मैंने आपको चाहे बुरा लगा हो चाहे अच्छा लगा हो मैंने मुंह पे कहा नहीं होगा, जैसे मुंडे माथे ना दे रहे हो, मैंने कहा नहीं हो सकता वो काम मैं नहीं कर सकती, झूठ मैं बोलूंगी नहीं, चाहे हमारे राज्य उन गाँव को गो पचे पाछा आओ पचे कहो यार यू डोटा ठोक है जो मैं बीजेपी में हो रही है, जावे नावे जावे नावे की नहीं हुए भाई, क्या है बीजेपी वाला मुख्य कार्यकर्ता के काम में तो दिव्या है ठीक है थी, जबकि करान छोड़ती बस लारो ही नहीं ले उन्होंने पड़ा। तो मुझे खुशी है कि ये जो 1,01,000 वोटों की जो गूंज है ना, वो मुझे आज जम्मू कश्मीर में आपकी आवाज पर। चुनाव तो राजस्थान में 200 सीटों पे हुआ, 199 पे एक, लेकिन जो चुनाव ओसियां का मंडा जिसपे हिंदुस्तान की नजरें थी, भले ही हम 2800 वोट 2800 वोट कितने होते हैं 1400, चुनाव का फर्क होता है बिल्कुल बाल की तरह महीन, बिल्कुल इतना ही फर्क है ना आज गुड़कते में इधर बीजेपी वाले गलत से भी मतलब ना, आज चुनाव होता है तो मैं घर बैठे 60,000 से चुनाव निकालूंगा। और जो चुनाव राजस्थान का ओसियां के अंदर हुआ, जो जन सैलाब मेरे पीछे खड़ा हुआ अपनी बेटी को आशीर्वाद देखने के लिए, उसने हिंदुस्तान की राजनीति में देखा कि हाँ कांग्रेस की ये लड़की कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद कर रही है और जमीन के नेता उसके साथ खड़े हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की सेक्रेटरी के रूप में जो मुझे एक नया दायित्व दिया है जम्मू कश्मीर का, वो दायित्व आपको दिया, आपकी आवाज को दिया, जो जनता की गूंज है वो पहुंचती है दिल्ली तक, उनको पता है कि वहां एक लड़की है उसके पास जनता का जो नर्व्स है अंडर करंट है वो उस लड़की के साथ है, जनता का आशीर्वाद है।
ना तो मैं पहले डरी हूँ और ना झुकी हूँ और ना अब डरूंगी और झुकूंगी। मैंने अभी पीछे कहा नेवरा में, मैंने कहा कैसा हुआ भाई एक साल में कि की नहीं हुई हो। मैंने कहा देखो छोटी मोटी तो छोड़ दो, लेकिन कोई बहुत जरूरी पच्चा नहीं कटेगी। मैंने कह दी जो मैं आ जाऊँ कटा दे, इतना तो मैं जो बीजेपी राज में काम करा सकती हूँ। आपके ने प्यार समर्थन निस्वार्थ भाव से मेरे परिवार के साथ आप खड़े रहे हैं। आपका विश्वास और स्नेह मेरे परिवार की पूंजी और मेरी पूंजी है। आप ही मेरी ताकत हैं और आप ही मेरी ऊर्जा का संचार करते हैं। मैं पुनः आपको दिल की गहराइयों से नमन करती हूँ और इसी तरह आप अपना आशीर्वाद उन्हें बनाए रखना। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके विश्वास में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।